क्या आप अतिसार से परेशान हैं? अतिसार के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारी एवं परेशानी को जानने की श्रृंखला में आज का हमारा विषय वो है अतिसार। तो आज हम अतिसार के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अतिसार की क्या परिभाषा होती है। तो मल का अधिक मात्रा में अधिक पतला तथा बार बार निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अतिसार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके मल पदार्थ होते हैं वो आपकी बड़ी आंत में इतनी तेजी से आगे निकलते हैं कि उसमें से जो क्या होता है आपके जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो अवशोषित हो ही नहीं पाते, जिसके कारण की आपको समस्या उत्पन्न होती है। आइए तो अब जानते हैं अतिसार को कितने नामों से जाना जाता है। तो अतिसार को मुख्यतः चार नामों से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम है अतिसार, दूसरा सबसे कॉमन इसमें नाम आता हुआ है दस्त, तीसरा जो इसमें नाम आता हुआ है लूज मोशन, और चौथा जो इसमें नाम है वो आता है आपका डायरिया। तो ये चार नाम है, इन चार नामों से हम जो है अतिसार को जानते हैं। आइए तो जानते हैं अतिसार क्यों होता है। तो ये जो बीमारी है वो आपके बैक्टीरिया के कारण होती है, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, सेल्मोनेला। ये क्या करता है, बैक्टीरिया दूषित पानी के प्रभाव से मानव शरीर में पहुंचता है। इस बीमारी में क्या होता है, आदमी को बार बार मल त्याग करना पड़ता है, और मल जो होते हैं बहुत ही पतले होते हैं। ये जो बीमारी है मुख्यतः जो बच्चे और बुजुर्ग इन दोनों को ज्यादा अपने प्रभाव में लेती है, क्योंकि इन दोनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। आइए तो जानते हैं अतिसार कितने प्रकार का होता है। तो अतिसार मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है पानी जैसे दस्त, यानी कि एक्यूट बैटरी डायरिया। ये जो है आपका इसमें दस्त क्या होते हैं, कुछ घंटे तक या कुछ दिन तक चल सकते हैं। दूसरा जो आपका दस्त होते हैं वो होते हैं आपके दस्त में खून, यानी कि एक्यूट ब्लडी डायरिया, इसमें क्या होता है मल के साथ में खून भी आता है। और तीसरे जो आपके दस्त होते हैं वो होते हैं लगातार होने वाले दस्त, यानी कि इसमें क्या होता है जो आपके दस्त है वो 14 दिन से ज्यादा तक हो सकते हैं। तो मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं अतिसार के, जो कि हमें परेशान करते हैं। तो आइए अब जानते हैं अतिसार के क्या कारण रहते हैं। तो अतिसार के कई कारण रहते हैं, जिनमें सबसे पहला रहता है आपका अत्यधिक शराब का सेवन। अगर आप शराब का सेवन ज्यादा करते हैं तो आपको अतिसार की समस्या हो सकती है। दूसरा जो इसमें कारण आता है पेट की समस्या, यानी कि जिन लोगों के पेट की सर्जरी हुई हो, जिनकी पेट की थैली निकली हुई हो, उनको भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीसरा जो इसमें कारण आता है वो आता है आपका दवाओं का दुष्परिणाम। अक्सर जैसे आप कई बार दवाएं लेते हैं, जैसे कोई दवाई निरंतर ले रहे हैं, तो उनके कई बार दुष्परिणाम होने के कारण आपको अतिसार की समस्या हो जाती है। चौथा जो इसमें कारण आता है वो आता है अत्यधिक दुख, क्रोध या डर के कारण क्या होता है, व्यक्ति के अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसके कारण भी आपको अतिसार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद जो इसमें सबसे मेन कारण जो आया था वो आता है पानी में जो आपके बैक्टीरिया है, वायरस है, ये जो प्रोटोजोआ है, उसके कारण भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पांच मुख्य कारण जिनके कारण भी आपको अतिसार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं अतिसार के क्या लक्षण होते हैं। तो अतिसार के कई लक्षण है, जिसके कारण आप पहचान सकते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है वो अतिसार है। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो है पेट के निचले हिस्से में दर्द। आपको अतिसार के समय पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द महसूस होता रहेगा। दूसरा जो इसका आपका लक्षण वो है शौचालय की बार बार इच्छा करना। इसमें क्या हुआ कि आपको सोच की जो है बार बार स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे क्या पहचानेंगे कि आपको अतिसार की परेशानी हो रही है। तीसरा इसमें आता है शरीर में कमजोरी। अगर आप बार बार मल त्याग करेंगे तो आपको जो है शरीर में कमजोरी महसूस होगी। चौथा जिसमें आपका लक्षण आता हुआ आता है कि गंभीर स्थिति, जब रोगी को अतिसार की गंभीर स्थिति हो जाती है तो उसको क्या होता है, सिर में दर्द होगा और बुखार भी महसूस होने लगेगा। और इसमें जो आपका पांचवा लक्षण आता है वो ये आता है कि बार बार मल त्याग करने के कारण शरीर में जो है निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके कारण की मूर्छा भी आ सकती है। तो ये जो है आपके पांच लक्षण है, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो दिक्कत हो रही है वो अतिसार ही है। तो आइए अब जानते हैं अतिसार रोग की क्या गंभीरता होती है। तो वैसे तो ये रोग अपने आप स्वयं ठीक हो जाता है कुछ दिनों में, ज्यादा दिक्कत उत्पन्न नहीं करता, लेकिन कई बार अगर आपको लंबे समय तक ये चलता है, कई बार आपको लंबे समय तक इस ये परेशानी होती है, तो क्या होता है कि जो रोगी होता है उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, उसका शरीर जो है गिर जाता है, और बार बार मल त्याग करने के कारण क्या होता है, शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
जिसके कारण ही कई बार रोगी को अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ जाता है। तो उसमें ये चीज ध्यान दीजिए कि अगर आपको परेशानी होती है तो उसको तुरंत ही सही करने का प्रयास करिए, क्योंकि इससे क्या है, नहीं तो आगे जो है आपको ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो अब जानते हैं अतिसार में क्या खाना चाहिए। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें जब ये परेशानी हो तो हम ऐसा क्या खाएं जिससे कि हम इस दिक्कत से छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहली जो हमें इसमें चीज खानी चाहिए वो है केला। केला जो है मल को रोकता है और ये बहुत ही उपयोगी है। दूसरा जो इसमें आप चीज खा सकते हैं वो है दलिया। आप जो है दलिया बना के खाइए, आपको इस दिक्कत में आराम मिलेगा। तीसरी जो इसमें चीज आप खा सकते हैं वो है दही। इसमें आप एक बात ध्यान रखना, दूध जो है दस्त करता है, दही जो है दस्त रोकता है। चौथी जो इसमें आप चीज खा सकते हैं वो है ब्रेड। हाँ जी, ब्रेड आप खाएंगे तो आपको जो है इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। पांचवी जो चीज इसमें आप खा सकते हैं वो है मूंग की दाल, लेकिन जो है मूंग की दाल आपको सादा वाली खानी है। और जो इसमें छठी चीज जो सबसे कॉमन चीज है वो है आपकी खिचड़ी। आप जो है खिचड़ी बना के खाइए, आपको इस दस्त की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये छह चीजें हैं, इनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको जो है इस परेशानी से अतिशीघ्र लाभ मिल जाता है। आइए तो अब जानते हैं अतिसार में क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमें परेशानी हुई तो हम क्या चीज अवॉइड करें, क्या चीज ना खाएं, जिससे कि हम इस दिक्कत को और ज्यादा ना बढ़ा पाए। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमको नहीं खानी है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। हमको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने। दूसरी जो चीज इसमें हमें नहीं खानी वो है ब्रोकली। हमें इसमें ब्रोकली का सेवन भी नहीं करना है। तीसरी चीज जो हम इसमें ना खाएं वो है शराब का सेवन। हमको शराब का सेवन भी इसमें नहीं करना चाहिए। चौथी जो चीज हम इसमें नहीं लेनी चाहिए वो है कॉफी या चाय। ठीक है, इसके बाद जो आपकी पांचवी चीज आती है वो है पपीता। पपीता क्या होता है, वो दस्तावर होता है, यानी कि वो दस्त करता है। इसलिए अगर आपको अतिसार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप पपीता भी ना खाएं। ये पांच चीजें हैं जो कि अगर आप ना खाएं तो आप इस अतिसार की परेशानी से बच सकेंगे या इसको आप बढ़ने नहीं देंगे। आइए तो आप जानते हैं अतिसार के क्या घरेलू उपचार होते हैं। तो अतिसार को मुख्यतः घर पे ही सही कर सकते हैं। उसके लिए हम जो कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं, सबसे पहला जो घरेलू उपचार है वो है नारियल पानी। अगर आपको हल्के रूप से अतिसार की परेशानी है तो आप जो है नारियल पानी पिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, जिससे कि आपको इसमें आराम मिलेगा। दूसरा जो इसमें घरेलू उपचार है वो है सेब का सिरका। आप क्या करें, एक गिलास पानी में एक छोटी चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पिए, इससे आपको आराम मिलेगा। तीसरा जो इसमें घरेलू उपचार कर सकते हैं वो है दो चम्मच आपको खसखस लेनी, उसको थोड़े से पानी में पीस लेना और उसको जो है आपको दही में मिलाकर सेवन करना है, आपको जो अतिसार की परेशानी में तुरंत आराम मिलेगा। चौथा जो इसमें घरेलू उपचार आप कर सकते हैं वो ये है, छह चम्मच चीनी, एक चम्मच नमक और एक लीटर उबला हुआ पानी आपको लेना है। पहले तो आपको चीनी जो है पानी में मिक्स कर लेनी है, उसके बाद आपको नमक को मिक्स कर लेना, फिर उसका आप सेवन करें तो आपको जो है इस परेशानी में आराम मिलेगा। इसके बाद आप एक घरेलू उपचार और कर सकते हैं, वो ये है कि आप आधा कप पके हुए चावल का पानी लीजिए और जब भी आपको जो है ये परेशानी हो तो तुरंत दस्त के तुरंत बाद आप जो है उस पानी का सेवन कर लीजिए, तो आपको क्या है इस समस्या से आराम मिल जाएगा। तो ये पांच घरेलू उपचार, इनको आप अपना कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं अतिसार की क्या आयुर्वेदिक दवाएं। तो प्राय क्या होता है, जो आपका अतिसार है या तो स्वयं ठीक हो जाता है या फिर कुछ घरेलू नुस्खे आप अपनाते हैं उससे भी इसमें आराम आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी समस्या बनी रहती है तो आप कुछ ये आयुर्वेदिक दवाएं इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली जो दवाई आपकी आती है कुटजंगन बटी। ये देखिए दो तरीके से आती है, एक तो बटी में आती है, एक ये चूरन भी आता है, लेकिन चूरन इसका बेहद कड़वा होता है और हर कोई इसको ले नहीं पाता, इसलिए जो है आप बटी ले सकते हैं। इसे आप पानी के साथ लेंगे आपको आराम मिलेगा। दूसरी जो इसमें दवाई आ जाती है वो आती है अमीबिका टेबलेट। आप इस टेबलेट का भी अगर सेवन करते हैं तो आपको आराम आ जाता है। तीसरा जो इसमें चीज है वो आती है बिलवादी चूर्ण। ये बेहद उत्तम चूर्ण है और इस चीज के लिए बहुत ही कारगर चूर्ण है। इसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको अतिशीघ्र आराम आता है। इसके बाद जो आपकी चौथी दवाई आ जाती है वो आ जाती है भुवनेश्वर रस। ये क्या करती है, जैसे कि आपको दस्त है, पेट में मरोड़ है, तो इसमें जो है बेहद जो है अच्छा काम करती है। इसका आप इस्तेमाल करेंगे पानी के साथ तो आपको इसमें
आराम आ जाएगा। इसके साथ में आप कई बार संजीवनी पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो आपको जो है इस परेशानी में आराम आ जाएगा। तो जो आज का हमारा विषय था वो अतिसार। आपको जो है हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। जो भी आपको और कुछ पूछना हो तो वो भी हमें बताएं, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बेहद सरल भाषा में एवं बेहद सरल शब्दों में अगर आपको बीमारियों को जानना है, उनके उपचार जानने हैं, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। हमारे चैनल में बेहद सरल शब्दों में चीजों को बताया एवं समझाया जाता है। हम आगे भी ऐसे ही आपके लिए जानकारी के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।